तो 16th ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਓ ਪੁੱਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਪਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਬਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ प्रेशर च भी फर्क पै रहा वॉल्यूम च भी फर्क पै रहा टेंपरेचर च भी फर्क पै रहा पर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है तो आप पीवी बाय टी वो कांस्टेंट मान के उठो पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू तो कट सकते हो जिदा कटिया है प्लस यही न्यूमेरिकल जो कह सकता वा जिदा इधर तो उन्हें स्पेशली किया ना कि बबल जदों नीचे है तो वह टैंपरेचर है उत्थे पानी का टैंपरेचर है 12 डिग्री सेल्सियस उपर आके हो गया 35 डिग्री तो वह यह भी कह सकता वा कि टैंपरेचर बारे कोई गल ही ना करे इहदा मतलब फिर नीचे और उपर दोनों का टैंपरेचर सेम ही है तो फिर साडा फार्मूला कला की रहना पी वी इज इक्वल टू कॉन्सटेंट हूँ पी वी बाय टी कॉन्सटेंट है ओ मतलब ओ पीवी कांस्टेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇ ਕੱਲਾ ਬॉयल्स ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਅ ਗੈਸ ਵਿਚ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਮੋਲਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ 4 ਮੋਲਸ ਆਫ ਨੀਓਨ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੀ ਨੈਗਲੈਕਟਿੰਗ ਆਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਮੋਡਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂ इंटरनल एनर्जी जी होंगी है ना वो होंगी है एन सी बी टी हम इतने दो गैसेज है तो एन वन सी बी वन टी प्लस एन टू मिक्सचर है ना मिक्सचर च एक गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बुत है टू मोल्स है किधर ऑक्सीजन हाँ तो एन वन का हो गया टू पर ऑक्सीजन डाइएटॉमिक गैस है डाइएटॉमिक जो सी बी की होता पाई बाय टू आर टी और टी नहीं कला आर पाई बाय टू आर अच्छा दूसरी गैस के लिए इनर्ट गैस मोनोएटॉमिक नंबर ऑफ मोल्स कितने फोर फोर है फाइव आर टी प्लस आंसर आ गया ठीक है एक दिन पढ़ दे फिर हम एन इंसुलेटिंग कंटेनर कंटेनिंग अ मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v नॉट इफ द कंटेनर इज सडनली स्टॉप्ड फाइंड द चेंज इन टेंपरेचर ये पता है ना कि कितनी गैस है मोनोएटॉमिक गैस मोनोटॉमिक गैस है नंबर ऑफ मोल्स कितने मोलर मास ही देता नंबर ऑफ मोल्स नहीं देते अच्छा हूँ ये बेसिक कंसेप्ट पता की है भी जो तो कंटेनर दौड़ रहा वा आप तो दौड़ना नहीं दौड़ाया जा रहा मोशन च है कंटेनर गैस भी उसके नाल ही है ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ
वो कितों आई कहते बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है जिन्नी काइनेटिक एनर्जी हम वेलोसिटी कितनी दिखती है सी के बी वी नॉट मोलर मास तो एक काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी हम इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होती है एन सी डी नंबर ऑफ मोल्स का इक्व ही है एन वन है ते गैस के लिए दसी उन्हें तो सी वी कितना तो आ वन है आ थ्री बाय टू आर है वन की गल टू ना टू कटा गया डेल्टा डी कितना आ गया एम वी नॉट स्क्वायर बाय थ्री आर यही आंसर आ गया है ना बोल 19 The mean kinetic energy per molecule of a polyatomic gas with n degree of freedom is option 4. नहीं तो चलें तो mean kinetic energy per molecule of a polyatomic gas with n degrees of freedom is है ना देखो तो जेडी गैस है ना ओदी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दी काइनेटिक एनर्जी पता नहीं होती या एनर्जी हाफ के वी ठीक है एक डिग्री दी हुण एक मॉलिक्यूल दी कितनी डिग्रीज है एन तो मॉलिक्यूल दी कितनी डिग्रीज हो गई है एन एन इनटू हाफ के वी टू ठीक है ये दिस हम एक ना हां सी ऑप्शन एन इनटू हाफ के वी टू ठीक है 19 हो गया 20th बोलो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी फ्रॉम T1 के टू T2 के इज तो ये आपा कितना कटना पुत्र किसी भी गैस का आज गैस है 1 ग्राम ऑफ हीलियम इधर नंबर ऑफ मोल्स पता कितने बने 1/4 बने और हीलियम गैस केड़ी गैस है मोनोटॉमिक गैस है तो यदि एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होगी एक मॉलिक्यूल दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इंटरनल एनर्जी नंबर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दी तो वो होती है पुत्र एफ इनटू हाफ के बी टी FT है degree of freedom ते average kinetic energy per mole कितनी होती है तो Avogadro number नाल multiply करना
ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, नाल पाता नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल दी काइनेटिक एनर्जी है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है जितने नंबर ऑफ मोल्स है। काइनेटिक एनर्जी टोटल होना जी थोड़ी गैस है उदे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/4। मोनोएटॉमिक है ना हीलियम, एफ कितना और शुरू का टेम्परेचर T1 है तो उदी इनिशियल एनर्जी है U1 और फाइनल बराबर होनी जितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। तो हम ये तो देखो 3/8 NaKB कॉमन है equal to NRT. N number of moles of the total मतलब mass given mass over molecular mass. तो उन्हें देखो क्योंकि आपका density वाइज जाना तो density होती है total mass over volume. P और इधर देखियो बहुत ना RT by M MT/B ये बन गई डेंसिटी, हाँ डेंसिटी, तो डेंसिटी बन गई तो आगे PM/RT, हाँ लेकिन गाले तो खत्म नहीं होनी, क्यों नहीं होनी? क्योंकि इस फॉर्मूले में M है मॉलिक्यूलर मास, जबकि सानू उन्हें दिता मास ऑफ मॉलिक्यूल, कोई गल नहीं असीं इहनूं चेंज कर लेना, प्रेशर मॉलिक्यूलर मास नूं लिख सकते हैं एक मॉलिक्यूल दा मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ते आर नूं लिख सकते हैं एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लो तो डेंसिटी दा फार्मूला प्रेशर इनटू मास ऑफ मॉलिक्यूल ओवर प्रेशर ऑफ गैस इज डिसाइडेड बाय तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड ऑन यूनिट एरिया बी ऑप्शन बी एक सेकेंड कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर यूनिट एरिया एवरेज कोलिजन्स पर सेकेंड ऑन यूनिट एरिया
23rd. Translational kinetic energy of molecule. तो average kinetic energy per molecule 3/2 kBT होती है, मतलब directly proportional to temperature monoatomically, है ना? इहदा मतलब जे तुसी वो कहता है काइनेटिक एनर्जी नु की करना डबल, तो आ डबल करोगे तो आ डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, तो इट मीन सानू टेंपरेचर नु डबल करना पड़ेगा। है ना? तो ए है असाइनमेंट बार। क्लियर है? यस सर। आगे डाउट्स कोई? नहीं ले आंदे सर, फॉर्मूलास बता दो सर थोड़ा एंगल्स के। केड़े? एक बार सारे लिख दो रिवीजन में। ओ आप लिख रहे हो? जब मैं सारे काम करने तो आप ही करना है। फॉर्मूलास देखो।